मेडिबैंक ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे माई गैलरी और यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन है और प्लस आइकन और न्यू कन्वर्स और यहाँ पे विथ और हाइट देख सकते हो डीपीआई 600 और डीपीआई मतलब डॉट पर इंच। और यहाँ पर कलर स्पेसिफिकेशन जो बैकग्राउंड देना है जिस कलर देना है मैं व्हाइट रखने वाला हूँ। ओके तो इसको अंदर फिलहाल हम लोग को बनाने वाले हैं कि पीएनजी टी आर एम का पीएनजी बनाने वाले हैं। तो पीएनजी बनाना आज मैं सिखाऊंगा आप लोग को किस तरह से मेडिबैंक के अंदर पीएनजी बनाते हैं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एचडी क्वालिटी बना लेती है। और यहाँ पर पेन पर क्लिक कर लिए और यहाँ पर जो स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को तो इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ से अपने को कलर ले लेनी है ब्लैक कलर, यहाँ पे एरो दिख रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग को खींच के यहाँ तक करके छोड़ देनी है और इसको मैंने ओपेसिटी कम किया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अभी फिर वापस उसी जगह पर आ जाइए। फिर ये के और लेयर है यहाँ पे और प्लस आइकन, उसके बाद कलर लेयर, उसके बाद दूसरे एक लेयर ले लिए हैं और फिर ही वही प्रोसेस है ठीक है। ऊपर से नीचे तक खींचने हैं जैसे टी बन जाएगा और टी का एम बनाने वाले हैं टी और एम। तो इसके लिए मैंने वहाँ से डबल लिया ताकि टी आप लोग को दिखा सकूँ, उसके बाद एम। अभी इतना तो बना लिए हैं, अभी ऊपर वाला जो टी का भाग है उसको हम लोग इरेज करने वाले हैं। तो वो टूल क्या है तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। इस पर सिलेक्ट करना है ऊपर वाले को क्योंकि ऊपर वाले को हम लोग काटने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये जो डॉट डॉट बना हुआ है स्क्वायर, ये इरेज है, ये एक टाइप का इरेज है। और इसमें यहाँ पर जो थ्री डॉट दिख रहा है ये थ्री डॉट पे यहाँ पे कुछ राउंड कॉर्नर लिखा है, कितना परसेंट तक कॉर्नर को राउंड कर सकते हो, राउंड काट भी सकते हो। फिलहाल तो चलिए उसको काट लेते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आगे तक खींच लेनी है और इसको यहाँ पे इतना छोड़ देनी है। तो ये जितना यहाँ पर सिलेक्ट हो गया और उतने एरिया को काट लेगी। तो यहाँ पर एक स्क्वायर के अंदर एक पेन बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर के अंदर पेन है। तो यहाँ पे सीजर आ गया है और कट जो भी कह लो, तो वहाँ पे जैसे मारोगे वहाँ कट हो गया है। कितना मस्त एप्लीकेशन है, आप लोग को अच्छी तरीके से इसके अंदर अगर काम करना है सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए ताकि इससे अच्छे अच्छे टूल के बारे में आप लोग को मैं बता सकूँ। तो अभी तो इतना हो गया है, फिर अपने जो साइड वाला है जो टी का नीचे वाला भाग उसको भी उसी तरह इरेज करना है। आप लोग को वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि स्किप कर दोगे आप लोग को कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ जान भी नहीं पाओगे कितना इंटरेस्टिंग वीडियो, कितना इंटरेस्टिंग पीएनजी बन जाता है। तो यहाँ पर इतना सिलेक्ट करके रख लेनी है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो आप लोग जूम भी कर सकते हैं, जूम करके भी अच्छी तरीके से कहाँ तक काटना है और अच्छी तरीके से कार्टून भी मार सकते हैं। तो मैं जूम करके तो नहीं दिखाने वाला हूँ, अपना अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके फिर ये जो स्क्वायर कल वाले के अंदर जो पेन है इसको कट मार लीजिए, यहाँ पर ऐसा कट बन जाएगा। तो एक कट मारने के बाद फिर इस साइड का भी इसी तरह कट मार लेनी है, देख सकते हो। तो कितना काम हो गया है, टी बन गया है ना। तो टेक्स्ट लेयर पे चली जाइए और प्लस आइकन और फिर से कलर लेयर और यहाँ पे फिर से लेयर आ जाइए, यहाँ पे फिर से वो एक स्क्वायर ले लेनी है और उसके अगर ओपेसिटी कम करना है ज़्यादा करना भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक बनानी है, आप लोग को मैं लॉगो में तो देखे होंगे मेरा थंबनेल में, तो एक यहाँ पर भी बनानी है, इसको भी उसी तरह साइड का कट मार लेनी है। तो वीडियो में देखते रहिए, फिर से यहाँ पर आ जाइए
और फिर से यहाँ पे आपने कुछ इतना एडजस्ट करना है, जितना परसेंट रखना है रख सकते हो। तो फिलहाल मैंने 73 रख लिया और यहाँ से फिर यहाँ तक इतना करके छोड़ दिया। तो यहाँ पर पेन स्क्वायर के अंदर जो पेन है उसके अंदर मार के फिर कैंची मार लेनी है ताकि वो कट जाएगा। वो कट गया। फिर इसका ऑपोजिट साइड भी वही करना है। और एक होने के बाद इसके साइड में वो कॉपी कर लेनी है और ऑपोजिट साइड उस पर लगा लेनी है। यहाँ पर इतना रखनी है। यहाँ पर फिर कट मार लीजिए। और यहाँ पर एक मेन काम ये देख लीजिए, यहाँ पर स्नैप लिखा है तो इस स्नैप में बहुत सारे शेप है तो मेरे को क्रॉस करना है या तो मूव करना है। स्नैप मूव भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक रेड लाइन आएगा तो उसी तरह शेप को काट देगा वो। देखो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन में जो खींचा हूँ ये उसी शेप के अंदर इरेज यहाँ से है। यहाँ पर इरेज ले लेने का तो साइज यहाँ पे देख सकते हो कितना तक साइज रखनी है। अभी मैं थोड़ा सा उसमें लाइन मारूंगी ताकि वो वहाँ से कट हो जाएगी, देख सकते हो। तो उसको भी इस तरह से काट सकते हो और जूम करने में और बेहतरीन रहेगा आप लोग को। मैं जूम कर में थोड़ा सा ही दिखाया हूँ जूम करके। तो इतने काटने के बाद यहाँ पर और भी काटनी है अच्छी तरीके से, आप लोग को भी दिखाना है। थोड़ा सा जूम कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इतना जूम किया हूँ। अभी देखो देख सकते हो इसको किस तरह से फिर काटा हूँ। थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ है मेरे करने में, आप लोग को भी इतना मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि आप लोग पहली बार अगर उसके अंदर काम करना चाहते हो तो थोड़ा मिस्टेक आप लोग का भी होगा। ये कट करने के बाद उसके नीचे भाग भी कट करना है। यहाँ पर इतना थोड़ा जूम करके रख लेनी है। फिर यहाँ पे जो लेयर देखना पड़ेगा कौन सा लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हूँ उसी लेयर कटेगा, लेकिन फिर दूसरे लेयर सिलेक्ट करोगे तो दूसरे नहीं कट पाएगा वो। तो ये काटने के बाद और दूसरे साइड ही अपने को ऑपोजिट एक एक कट मारना है। फिर स्नैप मूव लेके यहाँ पे देखो स्नैप मूव स्नैप इतने तक मेरे को जितना रखना है इतना रख के वहाँ फिर इरेज मारोगे तो वहाँ से कट जाएगी वो। देख सकते हो मैं कैसे मार रहा हूँ। तो आप लोग को ऐसे दिखा रहा हूँ कि आप लोग को इस तरह से भी काट सके। मैं तो एक सेकेंड में काट दूँगी लेकिन आप लोग को भी इस तरह ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे एक नया इरेज है यहाँ पे, तो इतना तक ऐसा लेनी है ताकि वो जो ट्रायंगल शेप है वो इरेज हो जाएगी। देखिए यहाँ से इतना सिलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा कुछ रह गया है, यहाँ से थोड़ा सर्कल लें वो डिलीट हो जाएगा। तो और एक बाकी है इसमें नीचे भी है। आप लोग को वीडियो में बने रहिए। वीडियो में लंबा तो होगी लेकिन आप लोग को सीखने भी मिला होगा, सीख भी पाओगे किस तरह से इससे अच्छी एडिटिंग होता है, किस अच्छा PNG भी क्रिएट कर लेता है। तो ये इरेज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें सिलेक्टेड 3 में नहीं था। तो अभी यहाँ पर ये कन्फर्म डिलीट हो जाएगा। तो ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग का ऐसा मिस्टेक भी हो सकता है। तो ये टी अच्छा लग रहा है, आप लोग को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये वाला ऑपोजिट साइड जो टी का एक लाइन खींचा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, ये इसको ऑपोजिट करूँगा मैं इस साइड पे। तो यहाँ पर ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेन चीज आप लोग को ध्यान देनी है। लेयर पे आइए, फिर ये जो चीज़ दिख रहा है लेयर 3, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पर एक एक डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट बन गया लेयर 3। इसको हॉरिजॉन्टली कर लेना है। हॉरिजॉन्टली करने के बाद ही उसका ऑपोजिट साइड ये चीज़ आ चुका है।
तो इसको ये ट्रांसफॉर्म है, वो कहीं पर जगह पे उसको मूव कर सकते हो ये। तो इसको फिलहाल मैं इतना रखने वाला हूँ। तो ये एम का दोनों साइड लाइन है, तो यहाँ पर एक और एक काम करनी है, ये जो इसको तो पूरा जीरो रखनी है। क्यों जीरो रखा मैंने, इसका कोई काम नहीं है अभी। अभी जो टी का बीच वाला भाग है उसको क्रिएट करना है। अभी इसको मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मर्ज है, मर्ज डाउन। तो ये दोनों मिल गए हैं, मतलब दोनों भागेंगे नहीं। तो ये अभी उसको थोड़ा यहाँ से मैं कट मारूंगी ताकि आप लोग को बीच में थोड़ा गैप बन सके, देख सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज़ है, आप लोग को ये एडिट करने का टाइम अगर कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया तो बैकअप है इसमें। देख सकते हो यहाँ पर टी का लाइन मैंने खींच लिया हूँ, और दूसरे एक लेयर ले लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से एम नहीं बना है, तो एक ऐसा एक्स्ट्रा बना लेनी है। इसको उस जगह पर क्रॉस प्लेस करना है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको रोटेट कर लिया, तो जितना मैं छोड़ दूँगा उसको सेट कर लेनी है। फिर उसका वही प्रोसेस है, डुप्लीकेट करना है और ऑपोजिट साइड प्लेस कर लेना है। यहाँ पर डुप्लीकेट और यहाँ पर वर्टिकली फेफ वर्टिकली देना है, और ये चीज़ आ चुका है यहाँ पर। फिर ये ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है, फिर यहाँ पर इसको मूव होगा, ये यहाँ पर इतना रख लेंगे। अब ये आप लोग को टी आर एम समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए वीडियो को। इतना ये हो गया है, अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। ये आप लोग को ओपेसिटी कम लग रहा है, तो ये ओपेसिटी को थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 100 कर लिया हूँ, तो यहाँ पर लेयर पे आ जाइए। ये पूरे जितने लेयर बना हुआ है इसको एक जगह कर लेते हैं, मतलब एक मर्ज कर लेते हैं। पूरा चार लेयर को मैंने मर्ज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मर्ज डाउन, और मर्ज डाउन के ऊपर एक मर्ज ऑल लेयर है, उसके ऊपर मार दोगे तो पूरा एक ही साथ लेयर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को उसमें 3-4 ऑप्शन आएगा, तो वो मत मारिए, एक एक मर्ज कर लीजिए। तो ये इतना होने के बाद अपने को ओपेसिटी कम लग रहा है, थोड़ा ग्रे और ब्लैक ऐसा लग रहा है, तो उसको मैं पूरी तरह से ब्लैक कर लूँगी। अभी यहाँ पर देख सकते हो इतना तो हो गया है। अभी इसको यहाँ नीचे थोड़ा काम बाकी है, उसको भी एक्स्ट्रा एक स्क्वायर बना लेनी है और उसको प्लेस कर लेनी है। यहाँ पर मैंने एक फिर यहाँ से एक एक्स्ट्रा लेयर ले लेती हूँ, कलर लेयर, और यहाँ पर मैं एक इतना छोटा सा बना लेती हूँ ताकि वहाँ पे मैं प्लेस कर सकूँ। और यहाँ पर जूम आउट जूम इन पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, और इसको थोड़ा यहाँ तक रोटेट करके इतना छोड़ देनी है, सेट कर लेनी है। फिर उसको उसी तरह डुप्लीकेट लेनी है और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो भी है आप लोग को दे देनी है। यहाँ पे मैंने वर्टिकली दिया, तो ये आ चुकी है यहाँ पर। अभी ये इतना होने के बाद इसको पूरी तरह से ब्लैक कर लेते हैं, तो इतना परफेक्ट हो गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर पूरे ब्लैक करना है, तो यहाँ पर लेयर में ये पूरे को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पर ये स्क्वायर पे आइए जो डॉट वाले, और इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करके फिर उसको पूरी तरह से ब्लैक फिल कर लेना है। तो इतना लोगो आप लोग को देख सकते हो। इसमें और थोड़ा काम बाकी है, जो कि स्नैप यूज होगा उसमें। यहाँ पर इतना जूम करने के बाद देख सकते हो कितना इमेज क्वालिटी आ चुका है।
यहाँ पर ये जो स्नैप लिखा है इसमें स्क्वायर वाला स्नैप है वो ले लेनी है और इरेज ले लेनी है और यहाँ पर इतना कट मार लेनी है। तो इतना होने के बाद और थोड़ा एक जगह पे है वो भी कट मार लेनी है। देख सकते हो इतना परफेक्ट बन गया है। तो क्रॉस मान लेनी है तो क्रॉस वाला ये रहा स्नैप में, तो यहाँ पे क्रॉस इरेज कर लेनी है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और आप लोग को कुछ गलती है कुछ हो है तो आप लोग मेरे को जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग को इस तरह PNG एडिटिंग में लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।